Yes, students, now we start for class 7, chapter number 11, that is nutrition in plant. Yesterday we have seen the heterotrophic nutrition in plant. In heterotrophic, we have done about the saprophytic plants. Now we again continue with the heterotrophic nutrition and we will move to the next is parasitic plant. Parasitic means it totally depends on the host plant for its nutrition. उसको अपना न्यूट्रिशन के लिए दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है. दैट इज सेड टू बी द पैरासाइटिक प्लांट. ओके, अ पैरासाइटिक प्लांट इज वन दैट इज पार्शियली और कंप्लीटली डिपेंड, मतलब या तो कुछ पोर्शन पे वो कुछ न्यूट्रिशन के लिए या तो या न्यूट्रिशन और मिनरल्स के लिए वो अपने दूसरे प्लांट पे डिपेंड रहता है, या वो कंप्लीटली दूसरे प्लांट पे ही डिपेंड रहता है अपने न्यूट्रिशन के लिए. Depends on another plant called host plant. जिससे वो nutrition लेता है, that is said to be the host plant. Okay? Usually parasitic plants develops, उनके कुछ special roots होते हैं जो कि either जो host plant के जिससे उसको nutrition लेना है उनके stem में या roots में या leaves के ऊपर wrap हो जाते हैं वो. Okay? आपस में एक दूसरे के अंदर mix हो जाते हैं ताकि वो जो खाना उसका host plant बना रहा है वो उसको वो ले सके. ओके, द प्रिपेयर्ड फूड इज जनरली एब्जॉर्ब फ्रॉम द रूट और स्टेम ऑफ द होस्ट प्लांट. और जब वो होस्ट प्लांट अपना फूड बना लेता है वो फूड ये पैरासाइटिक प्लांट जो कि उसके ऊपर डिपेंडेंट है, जो दूसरा प्लांट उसके ऊपर डिपेंडेंट है वो उसमें से ले लेता है. ओके, सम एग्जाम्पल आर कस्कूटा और वी कैन से डोडर प्लांट. इस प्लांट के रूट्स नहीं और खाली रूट्स ही होते हैं शुरू में, उसके बाद धीरे धीरे लीव्स डेवलप होना शुरू होते हैं. ओके, एंड मिस्टीलियो प्लांट, दिस इज मिस्टीलियो ट्री. ओके, इसके ऊपर जो लैदरी लीव्स है दैट इज मिस्टीलियो. ओके, कस्कुटा प्लांट हैज़ अ वेरी शॉर्ट रूट लॉन्ग थ्रेड लाइक स्टेम. शॉर्ट रूट और फिर उसके अंदर लॉन्ग थ्रेड लाइक स्टेम्स उसमें डेवलप होना शुरू होते हैं. इट ट्विन्स अराउंड द स्टेम, स्टेम के आगे पीछे वो लपेट जाती है होस्ट प्लांट के थे. इट ट्विन्स अराउंड द होस्ट स्टेम एंड सेंड ब्रांचेस अराउंड द नेबरिंग स्टेम. और अपनी ब्रांचेस वो पूरी उसके अंदर रैप कर लेती है. आप कहीं जाओगे तो कभी ध्यान से देखना, कोई एक प्लांट की दूसरे प्लांट के अंदर स्टेम रैप होती है. दैट इज सेड टू बी द पैरासाइटिक प्लांट, कि वो उस प्लांट का न्यूट्रिशन लेके अपना काम चला रहा है ताकि उसका उसको कोई मेहनत नहीं करना पड़े. मतलब दैट इज पैरासाइटिक प्लांट, दूसरे के ऊपर डिपेंड होके अपना काम निकालना. गॉट इट? नाउ अनदर स्टेम, अनदर वन, अनदर ट्री इज मिस्टीलियो. इट हैज़ अ लीड, इट हैज़ अ लेदरी ग्रीन लीव्स. इट डिपेंड्स ऑन द होस्ट प्लांट फॉर मिनरल्स एंड वाटर. दूसरे प्लांट के ऊपर मिनरल्स, वाटर और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए वो पूरा डिपेंडेंट रहता है. अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तो करता है पर दूसरे का भी मिनरल्स और वाटर वो एब्जॉर्ब करता है. गॉट इट? इन पैरासाइटिक रिलेशनशिप ओनली द पैरासाइटिक प्लांट बेनिफिट. इस टाइप के रिलेशनशिप में खाली पैरासाइटिक प्लांट ही बेनिफिट में रहता है, होस्ट प्लांट का तो उसको कुछ भी फायदा पड़ता नहीं है. खाली पैरासाइटिक प्लांट, जो प्लांट जिसके ऊपर लदा हुआ है खाली उसी को फायदा होता है कि उसको न्यूट्रिशन मिलता है, होस्ट प्लांट को उसके रिटर्न में कुछ नहीं मिलता. द पैरासाइटिक प्लांट्स हार्म द होस्ट प्लांट टू सम एक्सटेंट बाय शोइंग डाउन इट्स ग्रोथ, बाय स्लोइंग डाउन इट्स ग्रोथ. तो वो पैरासाइटिक प्लांट जिसके जो होस्ट प्लांट से वो ले रहा है वो बेचारा होस्ट प्लांट की ग्रोथ भी कम हो जाती है, उसका न्यूट्रिशन ये पैरासाइटिक प्लांट एब्जॉर्ब करता है, इससे जो होस्ट प्लांट है उसको बहुत नुकसान होता है. एंड समटाइम कॉजिंग हैवी डैमेज, और कई बार तो वो मरने की स्थिति में भी वो आ जाता है. हाउएवर पैरासाइटिक प्लांट रेयरली किल्स द होस्ट प्लांट, पर पैरासाइटिक प्लांट उसको मरने देता नहीं है. गॉट इट? Now we move to the next plant, that is symbiotic plant. This is the last topic of heterotrophic nutrition. Symbiotic plant, certain plants live in association with other organisms, share food and other resources. Symbiotic plants means क्या होता है, दोनों आपस में मिलजुल के, यानी मैं अगर आपको फ़ायदा दे रही हूँ, मैं अगर आपके ऊपर किसी चीज़ के लिए डिपेंडेंट हूँ तो आप भी मेरे ऊपर किसी चीज़ के लिए डिपेंडेंट रहेंगे. मतलब कुछ फ़ायदा मुझे है तो कुछ फ़ायदा आपको भी है. दैट इज सेड टू बी द सिम्बायोटिक प्लांट्स.
certain plants live in association with other organism with share food and other resources. आपस में sharing करते हैं दोनों के दोनों. दोनों प्लांट्स आपस में शेयर करते हैं. बोथ टाइप्स मच्युअली गेन फ्रॉम ईच अदर. दोनों को एक दूसरे से फायदा है. अगर हम साथ में रहते हैं तो हमारी जोड़ी बहुत अच्छी चलती है और हम दोनों को फायदा होता है. सच प्लांट्स आर कॉल्ड सिम्बायोटिक प्लांट एंड द रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस. इन प्लांट्स को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक प्लांट्स और इस रिलेशनशिप को हम बोलेंगे सिम्बायोसिस. गॉट इट. लाइव यहाँ फर्स्ट इज एग्जाम्पल दैट इज लाइकन्स. लाइकन्स आर द एग्जाम्पल. जो ये काई जैसा दिख रहा है ना दैट इट इज लाइकल आर द एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन अ फंगस एंड अ क्लोरोफिल. उसके अंदर फंगस होता है, ग्रीन ग्रीन कलर का फंगस लग जाता है जो कि ग्रीन कलर का होता है. उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड आल्गी, जिसको हम बोलते हैं आल्गी. फंगाई भी होती है और आल्गी भी होती है. ओके सो दोनों आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं. आल्गी प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द फंगस. आल्गी न्यूट्रिशन देती है फंगस को एंड फंगस हेल्प द आल्गी टू ग्रो इन हार्श कंडीशन. फंगाई उसको बढ़ने के लिए हेल्प करती है और आल्गी उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है एंड प्लेसेस वेयर दे वुड अदरवाइज नॉट सर्वाइव. अगर दोनों अकेले होते, आल्गी और फंगाई अलग अलग होते तो दोनों में से कोई भी सर्वाइव कर सकता था नहीं. ओके दे कांट एबल टू सर्वाइव विदाउट ईच अदर. नाउ वी मूव टू द रूट नोड्यूल्स जो कि नीचे जमीन के अंदर होते हैं. रूट ऑफ प्लांट्स सच एज पी कंटेन्स बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम. उसके अंदर राइजोबियम होता है, बैक्टीरिया टाइप होता है छोटे छोटे. हियर यू कैन एबल टू सी दे हैव शोन यू. ओके कंटेनिंग बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम. राइजोबियम कन्वर्ट्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन टू यूजेबल फॉर्म दैट इज एमोनिया. ये जो राइजोबियम है बैक्टीरिया वो जो एनवायरनमेंट में जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करता है अमोनिया में, जो कि ये प्लांट एब्जॉर्ब करता है और प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. द प्लांट इन टर्न्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर द बैक्टीरियल ग्रोथ. और प्लांट उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ताकि बैक्टीरिया बढ़ सके और बैक्टीरिया उसको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट करके प्लांट को देता है. तो बोथ आर बेनिफिशियल टू ईच अदर. ओके नाउ वी मूव टू रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिशन इन द सॉइल. सॉइल के अंदर वापस से कैसे सॉइल डेवलप होता है, वापस से सॉइल कैसे फर्टिलाइज्ड होता है या मैन्योर फर्टाइल सॉइल बन जाता है. प्लांट यूज मिनरल न्यूट्रिशन स्पेशली नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द सॉइल फॉर द ग्रोथ. जनरली प्लांट जमीन के अंदर जो नाइट्रोजन होता है उसके प्रेजेंस में ही प्लांट अच्छी तरह ग्रो करता है. एज अ रिजल्ट दैट इज अ डेप्रिशिएशन ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. जब एक कोई फसल उग गई तो वो सारा नाइट्रोजन उसके अंदर यूज हो गया. गॉट इट. क्योंकि जो जमीन के अंदर नाइट्रोजन था वो एक फसल जब उगी तब उसने यूज कर लिया तो अब उसमें नाइट्रोजन, उस सॉइल में नाइट्रोजन नहीं है. मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आर यूज टू रिप्लेनिश द न्यूट्रिशन इन द सॉइल. सो दैट इज वाई वी आर एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर इन द सॉइल सो दैट नाइट्रोजन डेफिशिएंसी विल बी ओवरकम. ताकि नाइट्रोजन डेफिशिएंसी हम उसको हटा सके. ओके बिसाइड नाइट्रोजन दे ऑल्सो कंटेन्स पोटेशियम एंड फॉस्फरस नीडेड बाई द प्लांट फॉर हेल्दी ग्रोथ. खाली नाइट्रोजन नहीं चाहिए, उनको पोटेशियम और फॉस्फोरस भी चाहिए जो कि हम जब मैन्योर और फर्टिलाइजर डालते हैं तो उसके अंदर ऑलरेडी होता है, जिसकी वजह से उनकी प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती है. दैट इज वाई वी आर गोइंग टू ऐड दिस मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर इन द सॉइल. गॉट इट. द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ राइजोबियम एंड लिगुमिनियस प्लांट सच एज पी प्लांट. लिग्युमिनियस प्लांट मीन्स पी प्लांट. अगर हम एक खेती करते हैं वो उसमें सारा के सारा नाइट्रोजन यूज हो जाता है तो हम उसके अंदर खेती बदल देते हैं. ओके तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ राइजोबियम एंड लिगुमिनियस प्लांट, ये दोनों की जो बैक्टीरिया और पी प्लांट का जो उनका रिलेशनशिप है, इट इज़ नेचुरल वे ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विथ नाइट्रोजन. ये एक नेचुरल वे है कि आप उस टाइम पे ये पी प्लांट को ग्रो कर दो तो ऑटोमेटिक बैक्टीरिया डेवलप हो जाएंगे और आपके सॉइल के अंदर नाइट्रोजन डेवलप हो जाएगा. गॉट इट. द डेफिशिएंसी उसकी खत्म हो जाएगी. सो समटाइम फार्मर्स ग्रो लिगुमिनियस प्लांट ऑल्टरनेटली विद अदर क्रॉप्स टू रिस्टोर द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल. इसीलिए कई बार फार्मर क्या करता है, एक क्रॉप के बाद ये लिग्युमिनियस प्लांट जैसे पी प्लांट है वो ग्रो कर लेता है ताकि उसकी जो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी हो गई है सॉइल के अंदर वो
पूरी हो जाए और सॉइल वापिस से फर्टाइल हो जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम वो कोई और प्लांट उसके अंदर ग्रो कर सकता है. गॉट इट? दिस इज ऑल फॉर द चैप्टर. नाउ वी हैव फिनिश्ड अवर चैप्टर एंड बाय टुमारो आई विल सेंड यू द बैक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. गॉट इट?